Hello teachers, I'm here with some more classroom instructions. आइए देखते हैं कुछ और क्लासरूम में दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस जिनको अगर हम इंग्लिश में बोले और रोज रोज यूज करें तो निश्चित रूप से बच्चे उसको समझना शुरू कर देंगे. आपके सामने है आस्किंग क्वेश्चंस, आपको प्रश्न करना है. तो प्रश्न करने के लिए किस तरह से आप पूछेंगे, कोई किसी भी टाइप का प्रश्न, जैसे कैन यू रीड द नेक्स्ट लाइन प्लीज, अगली लाइन आप पढ़ सकते हैं. आर देयर एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आए होंगे. विच वंस, कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आए. हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, इस शब्द को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे. हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड, इस वर्ड को आप स्पेल कैसे करेंगे, उसकी स्पेलिंग क्या होगी. स्पेलिंग क्या होगी, ये प्रश्न कई बार पूछते हैं, उसको आप किस तरह से पूछेंगे इंग्लिश में. हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड, इज दिस करेक्ट, सही है. कैन यू क्लीन द बोर्ड प्लीज, रिक्वेस्ट है. कैन यू क्लीन द बोर्ड प्लीज. इसी तरह से कैन यू से इट इन हिंदी, क्या आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं, टेल मी इन हिंदी. कैन एनीवन से दैट इन इंग्लिश, इसे इंग्लिश में बोला जा सकता है. कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं. कैन यू शो मी, आप मुझे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं. हु कैन शो मी, मुझे कौन बता सकता है, कौन दिखा सकता है. हू इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, हू इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, पूछ सकते हैं आप. इसके अलावा आप जब फीडबैक देते हैं, बच्चे ने कुछ जवाब दिया, अब आप उसको बोलना है कि सही है गलत है, तो नियरली राइट, ट्राई अगेन, नेवर माइंड, ट्राई अगेन, लगभग सही पहुंच गए हो तो, नॉट एग्जैक्टली, पूरी तरह से सही नहीं है. कैन यू ट्राई अगेन, एक बार और कोशिश करोगे. दैट्स करेक्ट, वेल डन, बच्चे ने ठीक कहा. छोटा सा आपका छोटा सा मोटिवेशन, अगर आप छोटा सा एक अच्छा शब्द बच्चे के लिए यूज़ कर लीजिए तो उसके ऊपर में बहुत सारा पॉजिटिव मोटिवेशन उसको मिलता है और वो निश्चित रूप से अच्छा करने की कोशिश करता है. एक तो क्लास में उसकी इमेज अच्छी होती है, क्लैप करवा दीजिए, वेल डन बोल दीजिए, एक्सेलेंट बोल दीजिए, बच्चा बहुत खुश हो जाता है. ये ज़रूर कीजिए, इसमें कहीं कोई कंजूसी मत कीजिए. करेक्टिंग योर स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स को करेक्ट करना है, गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारना है. देर आर सम मिस्टेक्स, व्हाट आर द मिस्टेक्स, कौन सी गलतियाँ हैं. डजंट एनीवन नो द करेक्ट वर्ड, किसी को सही शब्द मालूम है. कैन एनीवन राइट द करेक्ट सेंटेंस, कोई सही सेंटेंस लिख सकता है. और अगर किसी ने लिख दिया, किसी ने बता दिया तो ज़बरदस्त क्लैपिंग कराइए उसके लिए. प्रेजिंग योर स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल अबंडेंस में होना चाहिए. जितना ज़्यादा आप करवा सकते हैं इसको करवाइए, प्रेस कीजिए अपने स्टूडेंट को, उनकी छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटी सी उपलब्धि और ढेर सारी तालियां. आप देखिए आपका बच्चा आसमान छुएगा. तालियों के लिए, तालियों की कोई कमी मत कीजिए बच्चों के लिए, खूब शाबाशी दीजिए. छोटा सा काम भी वो सही कर रहा है या लगभग सही कर रहा है, पीठ थपथपाइए, शाबाशी दीजिए. वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सलेंट, वेल डन, दैट्स करेक्ट, यू आर वेरी क्विक, तुम बहुत जल्दी आंसर दे दिया तुमने. दैट वॉज वेरी गुड, से इट अगेन, एक बार फिर से बोलो. तो ये वो ट्रिक्स हैं, ये वो चीजें हैं जो आपके बच्चे को वाकई कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगी. कोशिश कीजिए. और ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये मैंने सिर्फ सजेस्टिव लिस्ट दी है आपको. आपके इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको हैंडल करने की होती हैं. आप उसके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए. नेवर माइंड इफ यू कमिट मिस्टेक्स, that will not be in any case damage your personality. That will not be going to damage your personality या आपके ऊपर किसी तरह का कोई नुकसान उस wrong English से नहीं होने वाला है या किसी तरह का गलत कोई negative effect नहीं पड़ने वाला है. बोलिए please. तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको समझना है और करना है. मुझे उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे और इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे. प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ इट, इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए और निश्चित इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए. बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको भी होगा और आपके बच्चे को भी होगा. थैंक यू वेरी मच.